एनडीए के एग्जाम हमारे सामने है, अभी तो जेई के एग्जाम आज से शुरू हो गए, अभी भी सद्बुद्धि दे, इसलिए हम लोगों ने पुतला दान किया है कि भगवान हमारे नरभक्षी प्रधानमंत्री और नरभक्षी शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे दे, ताकि हमारे जो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जो पटना में खाने का व्यवस्था नहीं, अगर हम पटना एग्जाम सेंटर पर आएंगे, होटल नहीं खुला है बॉस, होटल नहीं खुला है, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हर पार्टियाँ युवाओं को लुभाने में लगी, और हर बार की तरह इस बार जो मुद्दा बन चुका है वो है युवाओं का रोजगार। लेकिन अगर बिहार की स्थिति की बात करिए तो छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, हर मुद्दे पे एक दिन प्रदर्शन होता ही होता है पटना में। फिलहाल अगर आज की बात करिए तो पीयू गेट के पास आप देख सकते हैं जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था और नेट और जेई की परीक्षा रद्द करने की मांग कही थी, और इनका कहना था कि जिस तरह से कोरोना महामारी चली इस बीच परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा लेना बंद करो, अपनी आवाज पहुंचाते हैं, पत्र लिखते हैं, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं होता, पहले ये बताइए। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हमने भरपूर प्रयास किया कि बिना सड़क पर उतरे कैसे हमारे भारत के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। 5000 पत्र लिखा हम लोगों ने कि सरकार शायद अब संभल जाए, लेकिन नहीं, वो एग्जाम कराएंगे और ये कह के कि हम जो शिक्षा के प्रति ज़्यादा चिंतित है और छात्रों के प्रति ज़्यादा चिंतित है। अरे चिंतित होते तो 2 वर्ष पहले आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरवाया है, बोला था कि 500 रुपया दे दो, 400 रुपया हम एग्जाम बाद वापस कर देंगे, नहीं हुआ, 400 रुपयों नहीं आया और ना एग्जाम हुआ, 2 साल से लोग तक रहा है, एसएससी का यही हाल है। आप छात्र के प्रति चिंतित नहीं है, आप जबरदस्ती समाज में एक नया टॉपिक, अपने विरोध के जो आवाज़ होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए नया टॉपिक आप बुनते रहते हैं। इस काल में जब एक दिन में 80,000 आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, तो क्यों एग्जाम हो रहे हैं? उस वक्त जब लॉकडाउन लगा था देश में, एक दिन में 80 आंकड़े आते थे, करा लेते आप नीट के एग्जाम और जेई के एग्जाम और एनडीए के एग्जाम और नेट का एग्जाम, उस वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब इतनी संख्या बढ़ गई, 4 महीने आप लोगों को घर में रखे, आपने ही खुद कहा कि घर से बाहर मत निकलो, कोरोना है, संक्रमण हो जाएगा, और आज खुद ही अफरा तफरी के माहौल में ले जाकर एग्जामिनेशन सेंटर पर की मांगे क्या है? अभी की मांग ये है कि परीक्षा किसी भी कीमत पर न हो, अभी एनडीए के एग्जाम हमारे सामने है, अभी तो जेई के एग्जाम आज से शुरू हो गए, अभी भी सद्बुद्धि दे, इसलिए हम लोगों ने पुतला दान किया है कि भगवान हमारे नरभक्षी प्रधानमंत्री और नरभक्षी शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि दे दे, ताकि हमारे जो लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जो पटना में खाने का व्यवस्था नहीं, अगर हम पटना एग्जाम सेंटर पर आएंगे, होटल नहीं खुला है बॉस, होटल नहीं खुला है, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। विशाल एक सवाल है, बंद है, कैंपस बंद है, आप अगर हमारे लिए चिंतित होते तो कैंपस खोल देते, हम आते क्लास करते तो एग्जाम भी देते। विशाल एक सवाल ये है कि जो अभी विशाल कुमार बोल रहे हैं वो एक छात्र के हैसियत से बोल रहे हैं या जाप के नेता के हैसियत से? देखिए, हम छात्र हैं तो छात्र की मुद्दा और छात्र राजनीति से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए प्राथमिकता होती है, तो छात्र के हैसियत से हाँ जरूर, जन अधिकार छात्र परिषद एक मुखर तौर से लड़ने वाली संगठन है और उसके हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जन अधिकार छात्र परिषद का यह दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है कि ऐसे काल में जब 8 लाख लोगों ने नरेंद्र मोदी के मन की बात के लोगों ने डिसलाइक किया, ये छात्रों की आक्रोश थी कि भैया आप मन की बात तो करते हैं, छात्रों की बात कब कीजिएगा, तो छात्रों की भड़ास इसी तरह पुतला जलाकर हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निकालने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो छात्रों की आवाज़ हो उसकी भी कद्र हो। आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने ट्विटर का लगातार ट्रेंड चला, नीट के एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए, हमें एग्जामिनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वक्त में एग्जाम ना हो, वैक्सीन आ जाए, कोरोना का वैक्सीन खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं 1 महीना में आ जाएगा, अगर आ जाता है तो हम एग्जाम, ये कोचिंग माफिया से पैसा लेकर जबरदस्ती उनको प्रॉफिट पहुंचाने के लिए एग्जाम कराना क्या जरूरी है, ये किसके पेट में जा रहे हैं पैसे? आपका कहना है प्रॉफिट के कारण सरकार ऐसा केवल और केवल कोचिंग माफिया के दबाव में सरकार छात्रों को अपना मतलब नरभक्षी के तरह उनका शिकार कर रही है और हिंदुस्तान को मौत के मुंह में धकेल रही है। 65,000 लोग मर गए, 65,000 कम नहीं होता है, और 65,000 कहीं किसी देश में लोग मर जाए वो बहुत चिंता का सब्जेक्ट होता है, बहुत सेंसिटिव सवाल होता है। हम लोग सड़क पर नहीं उतरते, शौक नहीं है, लेकिन जो सरकार कह रही है और कर रही है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। अगर मेरा जान जाता है और लाखों लोगों का जान सुरक्षित होता है तो हम सड़क पर उतरेंगे। विशाल, पहले हम आपके लोगों से बात कर लेते फिर आपके पास आते हैं, ये बताइए आपके हाथ में क्या बैनर, क्या इस पे क्या लिखा है, आरकेडी कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, क्यों, क्या मांग? हम लोग का लगातार पिछले 4 महीने से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन आज कोरोना को कहीं ना कहीं ये लोग लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का ढाल भी बना रहे हैं। हमारे छात्रों को आज 12वीं में परीक्षा देने के लिए जो संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध का संघर्ष करना पड़ रहा है।
पसीना खून सुखा सुखा कर हमारे छात्र पिछले चार महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इनके दो साल बर्बाद हो जाएगा। ये लोग जेई मेन सीए नीट का तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनकी बारहवीं का परीक्षा अभी भी अधर में लटका है, जिसके कारण इनके सपने बिखर रहे हैं। और जानते हैं क्या हुआ है, अभी के तारीख में सुनवाई होना बंद हो चुका है। कहीं भी जाए अफसरशाही इतना हावी है कि छात्रों के भविष्य भी ऊपर हो गया है। जिस संविधान उन अफसर को नौकरशाह कहता है, वही अफसर आज राजा बन बैठा है। ये लोकतंत्र आज खतरे में है। आज हमारे बच्चे, आज स्टूडेंट, क्यों कहा जाता है ना, एक दार्शनिक ने कहा था कि नौजवानों के हाथ में तुम बागडोर सौंप दो, देश के सारा समस्या को समाधान कर देगा। लेकिन ये सत्ता नौजवानों को इतना कमजोर कर देना चाहती है, क्योंकि शिक्षा छीनने का मतलब होता है। नीतीश कुमार कहते हैं हमारे आने से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। शिक्षा व्यवस्था अगर बेहतर रहता तो हम क्लासरूम में पढ़ते रहते, न कि यहाँ सड़क पर बैठ करके अपने मांग और अधिकारों के लिए हुंकार भरते रहते। एक हवाईबाजी होता है और एक जमीन का हकीकत होता है। तो जमीन का हकीकत यही है कि हम खून और पसीना सुखाने के लिए, क्योंकि अपना भविष्य हम किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें चक्का जाम करना। और हम और देखिए यहाँ पे सारा पत्र, और इस लड़ाई में हमारे विशाल जी भी अब समर्थन करने का पूरा वादा किए हैं और कर भी रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग लगातार देखिए, छात्रों का आवाज जाप है, छात्रों का आवाज के लिए इन्होंने हमें समर्थन दिया है, तो हम जरूर कहेंगे कि छात्रों की आवाज जाप है। देखिए ये 173 बच्चों का ये पूरा लिस्ट है, और इस लिस्ट के जरिए हम लोग पिछले दर दर भटक रहे हैं। ये कॉलेज प्रशासन भ्रष्टाचार करने के लिए ऐसा क्या है? कॉलेज प्रशासन जब आप वार्ता कीजिएगा तो पता चला है, कहेगा कि आप दीजिए हमको पैसा 20,000 रुपया, हम आपको बी बॉस नाम का प्राइवेट संस्था से करवा देते हैं, एनआईओएस से करवा देते हैं। सभी आरकेडी कॉलेज के जाते हैं तो क्या आश्वासन क्या दिया जाता है? हमें कुछ आश्वासन का नाम बात भी कोई नहीं करता, बात तक नहीं करता, सीधा बोलते हैं कि आप अपना डमी ये क्या कहता है एसएलसी लीजिए और पैसा के लिए एप्लीकेशन दीजिए और बाहर चले। वोटर्स हैं आप लोग, वोट डालते हैं? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, और बताइए तो उसके बाद क्या क्या बोला जाए? उसके बाद अपना ये एसएलसी लीजिए और एप्लीकेशन दीजिए पैसा के लिए, जो कि नवंबर में मिलेगा आपको, ना कि उसके बाद बाहर देते हैं। मोदी जी कहते हैं राजगी से, मोदी जी से कि नीतीश नहीं। देखिए शिक्षा जो होता है वो बिहार के दायरे में आता है, बिहार सरकार के दायरे में आता है, लेकिन एक साझा सरकार बन रहा है। एक जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र में जहाँ से बच्चे आते हैं वहाँ का जनपद क्योंकि साझा सरकार चल रही है, और साझा सरकार के कहने के एक मुखिया मोदी जी भी हैं। तो मोदी जी कहते हैं देश को विश्व गुरु बनाएंगे, तो क्या बिना छात्र रहित छात्रों के सपना पूरे किए बिना कि हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? तो कौन सा ख्याली पकाओ पका रहे हैं नीतीश कुमार और मोदी जी, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार का छात्र, बिहार का नौजवान एकजुट है सन 74 में इसी तरह से। तो छात्र क्या करेगा आगे, क्या करेगा छात्र, क्या करेगा आगे? देखिए छात्र यही करेगा, विधानसभा चुनाव भी है तो क्या बदला लेने हैं? बदला लेना विधानसभा के आने वाले समय में जन अधिकार छात्र परिषद और बिहार के जितने भी छात्र नौजवान है नीतीश कुमार को विधानसभा विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। और आने वाले समय में अगर अभी प्रोटेस्ट करने पे ये लोग कहता है कि जेल में डाल देंगे, हम भी देखते हैं इनके दमन में कितना दम है। हम जाएंगे जाकर डकमंगला चौराहे पे प्रोटेस्ट करेंगे कि ये सरकार किस तरह से हमारे दमन कर रहा है, छात्रों का दमन, ये छात्रों का दमन देश के भविष्य का दमन है। इन सब सवालों के लेकर हम लेकर लगातार छात्रों में काफी आक्रोश है। एक बार हम लोग ने बीएससीबी गेट के पास हमने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ के गार्ड ने हमें गाड़ी चढ़ाने का धमकी और गालियाँ भी दिए थे साथ में। चलिए ये लोग अपनी मांगों को लेकर जब सरकार के पास या तमाम अधिकारी के पास जाते तो इन लोगों की मांगों को सुना नहीं जाता। एक सवाल विशाल मेरा है, आपने दरोगा परीक्षार्थियों के लिए भी आवाज़ उठाई, तमाम मुद्दों को लेकर उठते हैं, कोई भी क्यों नहीं सुनता है, ये बताइए। देख लोकतंत्र है, हम मुखर आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके में छात्र राजनीति को ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मनीष कुमार हमारा जेल में है, आज 100 दिन से अधिक हो गया, 125 दिन से, कोई सोचने वाला नहीं है। छात्रों को जानबूझकर टॉर्चर करके और छात्र राजनीति को कमजोर करने की कोशिश की गई, ताकि सड़कों से जो बुलंद आवाज सरकार को हिलाने वाली थी उसको कमजोर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आखिरी सवाल है, क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? हम करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे। हम इस हालात में हिंदुस्तान को पहुंचा दिए हैं कि हम टीवी पर बैठकर गोल गोल बात बतिया लेते हैं और लोग हमारी बात को मान लेते हैं।
लेकिन हम हिंदुस्तान को जब तक शिक्षित नहीं बनाएंगे, आप कैंपसों में जब तक विचारों को नहीं पलने देंगे, क्लासेस को नहीं चलने देंगे, आप जबरदस्ती लड़का भी यही चाहता है कि बिना एग्जाम दिए जो है कि हमको डिग्री मिल जाए, और आप कैंपस को भी इसी तरह बना रहे हैं, तो विचार नहीं बनेंगे तो समाज बेहतर नहीं बनेंगे, और हिंदुस्तान के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है ये। चलिए, बहुत ही दयनीय स्थिति बता रहे जन अधिकार छात्र परिषद के जो भी युवा, इनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, और हालात जब यहाँ तक आ जाए कि हम सीएम हाउस का भी घेराव करने को तैयार है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएसपी